नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेस्ट एंड ट्रेवल 24 में। मैं आज आपको बनाने जा रहा हूं आम पन्ना, गर्मियों में राहत देने वाली सबसे अच्छी डिश, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं और ख़ासकर गर्मियों में हमें बहुत राहत देते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम लेते हैं 2 कच्चे आम, जिसे हम आधे कप पानी डालकर बॉईल कर लेंगे पहले। अगर आप चाहें तो पहले से छील के स्लाइस करके भी बॉईल कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्टली बॉईल कर लूँगा और बॉईल करने के बाद इसके छिलके निकाल लूँगा। हमने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। जब हमारा ये बॉईल हो जाएगा, उसके बाद हम इसके छिलके उतार लेंगे। इसके साथ ही हम लेंगे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स करने के लिए। इसमें हमने लिया है 1 चम्मच सौंफ, जिसे हमने ऑलरेडी फूलने के लिए दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं सौंफ हमारे पेट को ठंडा रखता है, और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। आम बनने के लिए हमारे कच्चे आम बॉईल हो चुके हैं और इसे मैंने अभी तक ठंडा कर लिया है। अब हम इसे निकाल के छीलेंगे। हमने इसे छील लिया है। अब हम इसके स्लाइस काटेंगे। क्योंकि हमने अपने आम को बॉईल कर दिया है, इसलिए आम के हमारे आम के स्लाइसेस अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। तो बचे हुए आम को हम पानी में लेके हाथ से ऐसे निचोड़ लेंगे, अच्छे से मिक्स करके। लगभग 1 कप पानी मैंने लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे से इसे पानी में निचोड़ के मिक्स कर लिया है। और हम बचे हुए स्लाइस को पुदीने और सौंफ के साथ ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारे बचे हुए स्लाइस जो हमने आम से काटे थे, इसे हम ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर में ले लेंगे। साथ में हम इसे में मिला रहे हैं कुछ पुदीने की पत्तियाँ। हमने अपने फूले हुए सौंफ को छान लिया है। अब इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार चीनी। आप अपने स्वाद के अनुसार इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच काले नमक, भुना हुआ जीरा और 2-4 काली मिर्च का मिक्सचर है, जिसे मैंने पहले से ही तैयार करके रखा है। यह है दोस्तों हमारे आम से निचोड़ा गया पानी। इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये लगभग 1 कप है। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमने जो ग्राइंड किया था फ्रेंड्स, उसे हम अच्छे से छान लेंगे। आप चाहे तो बड़ी छन्नी ले सकते हैं। हमारे पास बड़ी छन्नी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम छोटी छन्नी से काम कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से छान लिया है और जो छना हुआ पार्ट है उसे हमने इधर अलग से निकाल लिया है। अब हम इसमें अपने स्वाद अनुसार पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें अलग से 2 कप ठंडा पानी ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं नॉर्मल वाटर के साथ, लेकिन मैं इसमें डायरेक्टली ठंडा पानी यूज करके इसे तैयार कर रहा हूँ। यह हो गया हमारा आम पन्ना पीने के लिए रेडी। अब हम इसे अच्छे से पी सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख सकें। प्लीज़ फॉलो माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।